नमस्कार, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आज हम आपके लिए लिख रहे हैं चार स्मार्टफोन के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। और आपको बता दें कि चारों ही स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में आते हैं। चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से फोन हैं और इनका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है ओप्पो F3 जो कि ओप्पो ने रिसेंटली लॉन्च किया है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का 6750T चिपसेट और 4GB रैम और इंडिया में इसका प्राइस है 19,990 रुपीज। बात करें नेक्स्ट फोन की तो ये है वीवो का V5S जो कि वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च है। इसका प्राइस है 18,990 रुपीज और इसमें आपको मिलता है MediaTek का 6750 चिपसेट और 4GB रैम। उसके बाद चलते हैं तो ये है Moto का G5 Plus जिसमें आपको मिलता है Snapdragon का 625 चिपसेट और 4GB रैम। और नेक्स्ट फोन है Samsung का J7 Prime जिसमें आपको मिलता है Exynos का 7870 चिपसेट और 3GB रैम और इसका प्राइस है 15,900 रुपीज। तो हमारे पास फर्स्ट 3 फोन्स अवेलेबल हैं 4GB रैम के साथ में, लेकिन Samsung J7 Prime है 3GB रैम के साथ में क्योंकि इसमें आपको 3GB रैम वेरिएंट ही मिलता है। लेकिन हमने काफी सारे रिव्यूज में देखा है Samsung J7 Prime का परफॉर्मेंस 3GB रैम के साथ भी काफी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन फोन का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको वीक मिलता है उनका ही आपको प्राइस ज्यादा मिल रहा है, जैसा कि ओप्पो और वीवो। इन दोनों ही फोन्स में आपको MediaTek के चिपसेट मिल रहे हैं और प्राइस की बात करें तो चारों ही फोन में से प्राइस आपको इनका ही ज्यादा मिलेगा। तो चलिए देखेंगे आज हम कि कौन सा फोन है जो कि हमको बेटर स्पीड दे पाएगा। तो अभी ये चारों ही फोन स्विच ऑफ मोड पे हैं और अब सबसे पहले करेंगे इनको बूट और देखते हैं कि बूट में कौन सा फोन विनर होता है। तो चलिए करते हैं इन चारों ही फोन को बूट और देखते हैं कि कौन सा फोन इसमें विनर होता है। यहाँ पे विनर रहा Samsung का J7 Prime जिसने सबसे पहले बूट किया फोन को और उसके बाद था Vivo का V5S और तीसरे नंबर पे था Moto का G5 Plus और फोर्थ नंबर पे था Oppo का F3। तो यहाँ पे आपने देखा कि विनर है Samsung का J7 Prime। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ही फोन में सेम Wi-Fi नेटवर्क कनेक्टेड है ताकि ड्यूरिंग स्पीड टेस्ट हमें चारों ही फोन में सेम इंटरनेट स्पीड मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ही फोन में सेम एप्लीकेशन सेटअप है और अब हम देखने वाले हैं कि कौन सा फोन है जो कि इन सारी एप्लीकेशन को कम टाइम में ओपन कर पाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही फोन का स्कोर सबसे कम टाइम में पूरा किया है मोटो जी फाइव प्लस ने, जिसने दोनों ही राउंड कंप्लीट किए 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में। हालांकि कुछ एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट राउंड में मोटो जी फाइव प्लस में स्टॉप हो गई थी, लेकिन इस फोन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और काफी फास्ट मोटो जी फाइव प्लस ने सारी एप्लीकेशन को ओपन करके कम्प्लीट किया। उसके बाद हम चलते हैं ओप्पो एफ थ्री की तरफ, जिसने सारे एप्लीकेशन को कम्प्लीट किया 2 मिनट्स एंड 28 सेकंड में, और यहाँ पे भी मेमोरी मैनेजमेंट राउंड में कुछ एप्लीकेशन स्टॉप हो गई थी। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे की वीडियोस देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस बटन पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।